हेलो एवरीवन, राधे राधे टू ऑल। अगर कोई इंसान गायब हो जाए या उसने कोई क्राइम किया हो या वो सुसाइड कमिट कर ले, पुलिस सबसे पहले उनका फोन जो है वो जब्त कर लेती है, यानी अपने पास ले लेती है। क्यों? क्योंकि पुलिस को उससे साइबर क्राइम की हेल्प से ये पता लगाना है कि वो किस तरह की पोस्ट देखते थे, क्या फीड थी उनकी, उनके पास किस तरह के एप्स थे, उनका कनेक्शन स्किन के साथ था। जिस तरह से क्रिमिनोलॉजी एक इंसान क्रिमिनल माइंड को रीड कर सकती है और साइकोलॉजी एक ह्यूमन ब्रेन को असेस कर सकती है, वैसे ही न्यूमरोलॉजी नंबर साइंस की हेल्प से आपके मोबाइल नंबर के थ्रू आपकी पर्सनैलिटी, हिडन सीक्रेट्स, हिडन इश्यूज और अपकमिंग प्रॉब्लम्स को भी आराम से बता सकती है। जब इतना सब कुछ बताया जा सकता है तो व्हाई लेट फॉर मोबाइल न्यूमरोलॉजी। मैं हूँ रश्मि सिन्हा, न्यूमरोलॉजिस्ट, वास्तु कंसल्टेंट, पेरेंट काउंसलर, आपकी सच्ची और अच्छी दोस्त। आपका वापस एक बार वेलकम करती हूँ सभी नए पुराने साथियों का कि आज के वीडियो से आप ये जानने वाले हैं कि एक मोबाइल नंबर आपके बारे में कितनी सारी बातें बता सकता है। सो लेट्स गो फॉर इट एंड नो योर नंबर, व्हाट इट सेज अबाउट यू। हाँ, ये जरूर हो सकता है कि मैं सभी के नंबर्स को तो नहीं कवर कर सकती, लेकिन मैं आपको एग्जाम्पल के साथ कुछ जरूर बताऊंगी, कुछ पेयरिंग, कुछ मल्टीप्लीकेशन ऑफ नंबर्स, कैसे इन चीजों को हम रिसर्च कर सकते हैं। लेट्स गो फॉर इट। पहले लोग अपनी सैलरी छिपाते थे और अब अपनी गैलरी छिपाते हैं। है ना, अमेजिंग, बट इट्स अ फैक्ट, राइट? तो जैसा मैंने आपको बिगनिंग में बताया कि मैं नंबर कैसे असेस करती हूँ वो मैं आपको बताती हूँ, तो इसमें किसी और का क्यों एग्जाम्पल लेना। लेट्स टेक माई ओन एग्जाम्पल। आज से कुछ साल पहले जो मेरे पास एक नंबर था, उस नंबर में 5 जो है वो 3 बार आता था। अब जब वो नंबर मैं यूज करती थी तो मैं अपने आप को एक एरी पर्सन समझती थी। मेरी कम्युनिकेशन बहुत बढ़िया थी, पैसा मैं जम के कमाती थी, कहने का मतलब मैं एक अच्छी जॉब में थी और मुझे अच्छी आमदनी भी होती थी। बट यस, आई वॉज हैविंग अ माइंड सेट कि मुझे बाहर ज्यादा रहना है घर से, तो मुझे लगता था मैं बाहर जाके ज्यादा काम करूं, बाहर घूमना चाहिए, मिलना चाहिए लोगों से, क्या प्रॉब्लम है। इसकी वजह से मैंने कुछ ऐसे प्रोजेक्ट्स में भी काम किए जहां मुझे सिर्फ पेन मिली, कोई प्लेजर नहीं और कोई इनकम भी नहीं हुई। कभी कभी इसकी वजह से लिटिगेशन भी उठानी पड़ी या कॉन्स्पिरसीज भी उठानी पड़ी। सो नंबर 5 अगर मल्टीपल्स में होगा तो ये दिक्कत होती है, ये बात मुझे उस वक्त मालूम नहीं थी। बाद में जब मेरा नंबर बाय डिफॉल्ट चेंज हुआ, तब भी मैंने मोबाइल न्यूमरोलॉजी पढ़ी नहीं थी, तो बाय डिफॉल्ट एक नंबर चेंज हुआ और जिसमें 3 बार अब 7 आ गए। अब जो 7 थे वो अलग अलग जगहों पे बैठे हुए थे, तो ट्रिपलेट्स ऑफ 7 की वजह से मेरे माइंड में स्पिरिचुअल जो ऑरा है वो डेवलप कर गया और मेरा इंटरेस्ट स्पिरिचुअल साइंसेस की तरफ बहुत बढ़ गया। मैं उन सभी प्रोजेक्ट, सभी लोगों से आराम से डिटैच हो गई जिन लोगों से मुझे कोई खास ना तो अर्निंग थी ना लर्निंग थी, तो मैंने उन्हें आराम से छोड़ दिया। इसके भी कुछ साइड इफेक्ट्स मुझे उठाने पड़े, जैसे कि जॉइंट पेन के इश्यूज आई, दूसरे कुछ एक दो इश्यूज आए जिसके लिए मुझे योग जो कहते हैं ना सेशंस, वो ज्वाइन करने पड़े। तो ऐसे ही जब मल्टीपल नंबर्स आ जाते हैं, कोई भी एक जमा लीजिए, बहुत सारे पेंटा 5 हैं, 5x5 हैं, इंसान सेंसिटिव और एडमेंट तो हो ही जाएगा। अगर उसके नंबर में बहुत सारे 2 दिखाई दे रहे हैं तो वो बहुत इमोशनल होता है और वो दूसरों का रोना सुनने में बहुत कम्फर्ट फील करने लगता है, तो ये दिक्कत उसको दिखाई देगी। इसी तरह से आपको नंबर कैसे आपको देखो पर्सनालिटी बना के दे रहा है, और मैंने खुद से ही एक्सपेरिमेंट किया है। ये सब जो भी मैं कर रही हूँ मेरे खुद के अपने रिसर्च और एक्सपेरिमेंट्स हैं, और बाय गॉड ग्रेस जो लोग कंसल्टेशन के लिए आते हैं वहां से भी काफी हेल्प मिलती है, क्योंकि या तो वो लोग स्पिरिचुअल होते हैं या तो नॉलेजेबल होते हैं, और कई बार तो दोनों ही होते हैं, तो बहुत ही बढ़िया होता है। बहुत अच्छे अच्छे पोस्ट पर हैं, समझदार हैं, काफी लाइफ देखी हुई है उन्होंने, मुझसे भी काफी सीनियर है, तो मुझे बहुत खुशी होती है उनके साथ इस साइंसेस को डिस्कस करने में। मोबाइल नंबर बनाते समय अगर आप मुझे पूछे कि सबसे अच्छा नंबर फिर कैसे बनाया जाता है, तो मैं बार बार कहती हूँ एक बात कि नंबर की सीरीज तो मैटर करती ही है, लेकिन देयर इज नो वीआईपी नंबर। वीआईपी वही लोग हैं जो अच्छे प्लेसेस पे पहुंचने के बाद वो अपने आप को वीआईपी बुला रहे हैं या उनको कोई लोग बुला रहे हैं, लाइक शाहरुख खान यूजिंग 0005 इन हिज कार, एंड वहीं पर धोनी यूजेस 0007 इन हिज कार। वाई कार, वाई नॉट मोबाइल? क्योंकि वो कार में ज्यादा समय बिताते हैं, उनको ट्रैवल करना होता है, उनको सेट पे पहुंचना पड़ता है, और आपको क्या लगता है वो खुद का नंबर खुद उठाते होंगे? हार्डली यस, है ना। तो वैसे में आप वीआईपी नंबर क्यों फॉलो कर रहे हैं? क्या वो हर वो चीज जो दूसरे लोग करते हैं मुझे सूट करेगी? बिल्कुल नहीं। इसलिए जो सबसे पहला कंडीशन है किसी भी मोबाइल नंबर को चुनने का, वो है आपका बर्थ नंबर एंड
योर डेस्टनी नंबर, उनकी कंपैटिबिलिटी से ही आप किसी नए नंबर को डिजाइन करते हैं, फर्स्ट रीजन। सेकंड, आपका देश काल पात्र, मतलब आप किस जगह रहते हैं, आप किस वक्त कौन सी उम्र से गुजर रहे हैं और आपकी पर्सनालिटी कैसी है। इन तीन चीजों को जरूर ध्यान में रखा जाता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप मैरिड हैं तो आप वीनस के बहुत सारे नंबर्स नहीं ले सकते, क्योंकि ये आपको एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर या अपने पार्टनर के साथ डिसलॉयल लॉयल्टी की तरफ ले जाता है। वहीं पर अगर आप अनमैरिड है तो वीनस बिल्कुल लेना चाहिए, क्योंकि वीनस अट्रैक्शन का प्लैनेट तो है ही, ब्यूटी का भी प्लैनेट है। तो अगर आप अपने आप को ब्यूटीफुल रखना चाहते हैं, तब बहुत सारी फीमेल पूछेंगी मैम तब तो मुझे सिक्स ले लेना चाहिए। नहीं, आप उसके लिए मेरी तरह खूब अच्छी तरह रहिए, क्योंकि ब्यूटी अट्रैक्ट्स ब्यूटी ना। लाइक आप वीनस को बहुत सारे तरीके से अट्रैक्ट कर सकते हैं, नॉट ओनली बाय ओनली अ नंबर। यहाँ तक कि हमारे घर का नंबर, हमारे पिन कोड्स, हमारे बहुत सारी चीजें मैटर करती हैं। सबसे आप चीजें अट्रैक्ट कर सकते हैं, बस फर्क ये होता है कि जिसका जितना ज्यादा यूज होगा वहां से उतनी ज्यादा अट्रैक्शन आती है, राइट? ओके, थर्ड कंडीशन जो फॉलो करनी है वो है आपका गोल या विजन, यानी आप क्या चाहते हैं अपने जीवन में। कोई पॉलिटिशियन बनना चाहता है तो उसको 492 चाहिए, राइट? अगर कोई डॉक्टर बनना चाहता है तो उसको 476 चाहिए उनके नंबर में। अगर कोई स्पोर्ट्स में जाना चाहता है तो उनके नंबर में 276 जरूर होना चाहिए। अगर कोई समझिए किसी ट्रैवल वर्क में है, घूमने का काम है उनका एंड बहुत सारा फ्रीडम चाहिए, वो जुगाड़ लगाना चाहते हैं अपने बिजनेस के लिए, बिजनेस कर रहे हैं, तो उनको 951 जरूर लेना चाहिए। 951 के पेयर्स बनते हैं, नॉट लाइक दिस कि 951 लग रखना है, ठीक है? तो उसकी पेयरिंग बनाने के लिए न्यूमरोलॉजिस्ट होते हैं। मेरा वही काम है कि मैं पेयर प्रिपेयर करके आपको दूं, ताकि वो आपको नुकसान भी ना करे। तो ये जो तीन पैरामीटर्स जो बहुत मेजर हैं, जरूरी हैं, करने चाहिए, मैंने पिछले कुछ वीडियोस में भी बताए थे, शायद आपने अगर देखे हो तो पता होगा कि जैसे कि BSNL की सीरीज 94 से शुरू हुई और नाउ इट्स डेड, क्योंकि भारत संचार निगम लिमिटेड बन गया था, भाई साहब नहीं लगता है। वैसे ही पुलिस का नंबर 100 से शुरू होता है एंड हार्डली पीपल बिलीव ऑन पुलिस, सो दे डू नॉट कॉल पुलिस टू सेव देमसेल्व्स, क्योंकि उन्हें लगता है कि पुलिस जब तक आएगी तब तक तो काम खराब हो जाएगा। और ये सच भी है कि पुलिस की इमेज जो है वो जल्दी खराब हो जाती है। इसी तरह से बहुत सारे कंपनी अपने नंबर में 1818 की पेयर्स लगाते जाते हैं, बहुत सारे 5 लगाते हैं, वो लगा सकते हैं बिकॉज दे आर नॉट टेकिंग देयर कॉल बाय दिस नंबर हैज बीन टेकन बाय कॉल सेंटर्स, और वहां पे बहुत सारे लोग होते हैं, वो नंबर वहां रखा हुआ है, वहां लोग आते हैं उसे उठाते हैं, मगर आपका नंबर सिर्फ और सिर्फ आप उठाते हो, इसलिए उसकी वाइब्रेशन आप पर काम करने लगती है। नॉट ओनली नंबर बल्कि फोन में क्या रखते हैं वो भी बहुत मैटर करता है, लाइक टूटी हुई स्क्रीन, गंदे भद्दे उसके कवर्स, आपकी गंदी सी वॉलपेपर, गंदी सी वॉलपेपर का मतलब है किसी डेड पर्सन की फोटो, मे बी आपकी डार्क शेड पिक्चर्स, आप जैसे कहते हैं मेरे को आई लव डार्क मीम्स एंड ऑल, या कुछ ऐसे पिक्चर्स जो बहुत ट्रबलिंग हो, लाइक जलने कटने की चोट वाले पिक्चर्स, डू नॉट कीप इन योर मोबाइल। साथ ही आपके वॉलपेपर्स आपकी अफर्मेशन या मैनिफेस्टेशन के लिए भी काम करते हैं, तो गो फॉर दैट। ओके, मैं लास्ट में आपको ये भी जरूर बताऊंगी कि आपको कौन से ऐसे पेयर हैं जो आपको अट्रैक्टिव बनाते हैं या आपकी लाइफ में अट्रैक्शन का पार्ट जो है वो इम्प्रूव कर देते हैं। बट एक बात जरूर याद रखिएगा, कोई भी पेयर मल्टीपल इफेक्ट्स के साथ आते हैं, वो सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज़ नहीं देंगे, वो आपको दोनों चीज़ें देंगे, जैसे कि सिक्के के दो पहलू होते हैं। सो होप आपको अभी तक मेरी बात समझ में आ गई होगी। अगर समझ में आ रही है तो क्या लिखना है, राधे राधे, या कोई ना कोई कॉम्प्लीमेंट जरूर छोड़िए, लाइक कर लीजिए वीडियो को, शेयर कर लीजिएगा जरूर एक पर्सन को, और चैनल को सब्सक्राइब अगर अभी तक नहीं किया है तो देर किस बात की, अच्छा सा मुहूर्त है, जल्दी से कर लीजिए। अगर हिस्ट्री पे जाके देखें या फिल्म इंडस्ट्री की ही हिस्ट्री देखें या क्रिकेट इंडस्ट्री की हिस्ट्री देखें, आपको कुछ ऐसे पर्सनालिटी जरूर वहां दिख जाएंगे जो कि बहुत ज्यादा टैलेंटेड थे, बहुत ज्यादा हार्डवर्किंग थे, उनके में कोई भी चीज की कमी नहीं थी, बट लक फैक्टर ने उन्हें अक्सर साथ नहीं दिया है। ऐसा तब होता है जब हमारे बिटर कॉम्बिनेशंस होते हैं या ऐसे कॉम्बिनेशंस होते हैं जो ऑलरेडी स्ट्रगलिंग होते हैं। अब ईश्वर ने तो आपको जन्म दे दिया है भाई किसी डेट को, तो अब वो डेट को तो आपको लेके चलना पड़ेगा। लाइक मैं कुछ एग्जाम्पल देती हूँ, लाइक 2-4 का कॉम्बिनेशन है, यानी बर्थ नंबर 2 है और डेस्टनी 4 है, या बर्थ नंबर 2 है डेस्टनी 8 हो गई, या बर्थ नंबर 8 है डेस्टनी 4 है, या बर्थ नंबर 7 और डेस्टनी भी 7 है। ऐसे कुछ 81 कॉम्बिनेशन है हमारे न्यूमरोलॉजी में, तो ऐसे कॉम्बिनेशंस होते हैं जिनकी वजह से इस इंसान को, जिसके भी साथ ये है, उसको उसी काम में
100 बार मेहनत करनी पड़ती है, तब जाके उन्हें सक्सेस आती है। वहीं पर कुछ कॉम्बिनेशंस कितने इंटरेस्टिंग है, देखिए वो बहुत जल्दी गुड लक फैक्टर लेकर आते हैं। लाइक 5 और 6 का कॉम्बिनेशन देखिए, 1 9 का कॉम्बिनेशन देखिए, 1 5 का कॉम्बिनेशन देखिए, या फिर आप दूसरे अच्छे 6 1 का कॉम्बिनेशन देखिए, 6 5 का कॉम्बिनेशन देखिए, 8 5 का कॉम्बिनेशन देखिए, जो नरेंद्र मोदी जी का भी है। एग्जाम्पल्स तो मैंने बहुत बार दिए हुए हैं, तो मैं आज एग्जाम्पल की तरफ नहीं जाऊंगी, बट इन सब के अच्छे अच्छे एग्जाम्पल्स आपको गूगल पे मिल जाएंगे, जिनकी बर्थ नंबर और डेस्टिनी नंबर ने कमाल कर दिया और लक फैक्टर ने भी उनको काफी सपोर्ट किया। तो जब हमारे में लक फैक्टर की कमी है, अगर मेरे ग्रिड में कमी है, तो डेफिनेटली मुझे किसी चीज का सपोर्ट लेना पड़ेगा। अब ज्ञान लेने के 2 तरीके हैं, या तो आप खुद पढ़ो पर या तो ज्ञानी से जुड़ जाओ, तब भी आप सीख सकते हो। तो इसलिए हमेशा आप खुद नहीं पढ़ सकते, बिकॉज यू आर ऑलरेडी डूइंग सम जॉब, सम एजुकेशन, यू आर बिजी इन योर लाइफ। तो ऐसे में आपको किसी ज्ञानी से, मुझसे हेल्प लेनी पड़ेगी, बिकॉज मेरा पूरा दिमाग जो है सिर्फ इसी में रहता है। मैं हर दिन 2 घंटे सिर्फ पढ़ने में लगाती हूँ अभी भी, और मैं कभी नहीं मानती कि एक न्यूरोलॉजिस्ट बना जा सकता है। इसीलिए हमें तब सपोर्ट लेनी पड़ती है मोबाइल नंबर के थ्रू, रिस्ट वॉच के थ्रू, डायरेक्शंस के थ्रू, कलर साइंसेस के थ्रू, या फिर वैदिक रेमेडीज के थ्रू। और ये सब आपके विश्वास पर काम करती है। आई वुड से कुछ भी, कहीं कोई अंधविश्वास नहीं होता है। आपको जो मानना है आप मानो, कोई फोर्स नहीं कर सकता। आप जिस भी रिलीजन से हैं, आप अपने रिलीजन के हिसाब से चीजें मान सकते हैं, क्योंकि वास्तु एनीबडी कैन फॉलो, कलर साइंस एनीबडी कैन फॉलो, रिस्ट वॉच एनीबडी कैन फॉलो, एंड मोबाइल नंबर तो 100% यू कैन फॉलो, क्योंकि वो तो आपको यूज करना ही है। अब कुछ लोग क्या होता है, बहुत सारे नंबर्स ले लेते हैं, 2 से 3 से ज्यादा नंबर्स ले लेते हैं। अगर आपको देखना है कि आपका नंबर आप पर कितना काम करता है, पहली शर्त है वो नंबर कम से कम 6 महीने से ज्यादा यूज हो चुका हो और आप उसी नंबर को यूज करते हैं। ये नहीं कि आपके पास 3 नंबर है तो आपकी वाइब्रेशंस डिवाइड हो जाएंगी और आपकी पर्सनैलिटी एक डुअल पर्सनैलिटी जैसी होती है, तो आपके बारे में बताना मुश्किल है। चलिए अब जो मैंने शुरू में प्रॉमिस किया था वो बता देती हूँ कि ऐसे कौन से पेयर्स हैं जो ब्यूटी एंड अट्रैक्शन को आपकी तरफ अट्रैक्ट करते हैं। मेरी तरफ ब्यूटीफुल दिखता है ना, चलो चलो बता रही हूँ। इससे पहले कि मैं ये बताऊं, आपने अभी तक मुझे राधे राधे क्यों नहीं लिखा है, लिखिए। अगर आप दूसरे रिलीजन से हैं तो वेरी नाइस लिख दीजिए, वेरी इंफॉर्मेटिव लिख दीजिए, और चैनल को एक लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए और शेयर जरूर करिएगा पूरी की पूरी प्लेलिस्ट टू द पीपल जिनको इसकी जरूरत है। अब मैं बताती हूँ, सबसे पहला पेयर जो मुझे अट्रैक्शन के लिए बहुत अच्छा लगता है, दैट इज 1 2 का पेयर। 1 2 का पेयर अगर आपके मोबाइल में होता है, यू आर रियली रियली वेरी अट्रैक्टिव पर्सन, क्योंकि ऐसे लोग अच्छा खर्चा करते हैं अपनी ब्यूटी के ऊपर भी, और करना भी चाहिए, आफ्टर ऑल 1 लाइफ ओनली ना। बट अपने पैसे खर्च करें, अपने से दूसरों से मांगे हुए नहीं। ओके, सेकेंड पेयर 6 है। वैसे 6 के साइड इफेक्ट्स हैं तो मैं दोनों बता देती हूँ। पॉजिटिव, वीनस अट्रैक्ट करेगा, ब्यूटी अट्रैक्ट होगी, अफेयर्स में जा सकते हैं, अट्रैक्शन अट्रैक्ट होगी। बट अगर मिडिल एज क्रॉस कर गए हैं तो डायबिटीज का डर होता है, हॉर्मोनल इश्यूज हो सकते हैं। दोनों बातें बता दी ताकि आप कमेंट में लिखे, मैम आपने तो कहा था ये पेयर अच्छा नहीं है, तो मैंने दोनों बातें बता दी। एक पेयर और मुझे बड़ा अच्छा लगता है, वो है 6 7 या 7 6। ये पेयर भी अफेयर्स के लिए बहुत अच्छा है। अगर आप किसी से प्यार करते हैं और उन्हें आपसे अट्रैक्शन नहीं हो रही है, यू कैन यूज दिस पेयर इन योर मोबाइल और आप देख सकते हैं कि आपको रियल अट्रैक्शन दिखाई देगी। लेकिन अगर आप मैरिड हैं, डू नॉट यूज दिस बिकॉज इट विल गिव यू एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर। ओके, सो अवॉइड। और अगर आपके मोबाइल नंबर में अभी है तो मुझे जल्दी बताइए क्या ये सच है, मत बताइएगा कॉमेंट में, पर्सनली बताइएगा, ठीक है। एक पेयर को और मैं सपोर्ट करती हूँ जो ब्यूटी के लिए रिस्पॉन्सिबल है बट इसके साइड इफेक्ट्स हैं आई वुड से, एंड दैट इज 5 6। 5 6 का पेयर बहुत अच्छा होता है ब्यूटी के पॉइंट ऑफ व्यू से, वीनस के पॉइंट ऑफ व्यू से, अट्रैक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से। लेकिन इसके सेकेंड साइड इफेक्ट्स हैं कि ये बिजनेस वाले लोगों को नहीं लेना है। अगर आप कोई बिजनेस करते हो तो डेफिनेटली आपका पैसा हो जाएगा स्टक और आपको काफी सारे लोग जो आपके ही होंगे ठग सकते हैं पैसे के मामले में। तो कौन कौन से पेयर थे, 1 2 5 6, 6 7 एंड 6 6। यूज करके देखिए या फिर कंसल्टेशन लेकर फाइनली डिसाइड करें कि कौन सा लगाना चाहिए पेयर को। और मुझे लगता है मैंने आज आपको एक अच्छी इन्फॉर्मेशन दी है। थैंक यू मेरे साथ बने रहने के लिए, वीडियोस को देखने के लिए, इतना सारा प्यार बरसाने के लिए। जल्दी मिलते हैं अगले वीडियो में, अकॉर्डिंग टू योर क्वेश्चन, जो क्वेश्चन आएगा वही मुझे लेना पड़ेगा वीडियो में। तब तक के लिए राधे राधे और नवरात्र की बहुत सारी शुभकामनाएं सभी को। जय माता दी।